इस दुनिया में सोने हीरे से भी ज्यादा कीमती रत्न धरती के अंदर मौजूद है। हर कीमती रत्न अपने पाए जाने वाले स्थान के अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कंपोजिशन से बनते हैं। एक कीमती रत्न धरती के अंदर कई सैकड़ों साल तक हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रहने के बाद ही बनता है। इसकी क्वालिटी नेचुरल प्रोसेसिंग टाइम पीरियड और उसके मिनरल कंपोजिशन से तय होता है और मार्केट में इसकी कीमत क्वालिटी के साथ साथ इसके रेयर होने के परसेंटेज पे नजर रख के ही तय किया जाता है। और आज हम इस वीडियो में 10 सबसे कीमती रत्नों की बात करेंगे जिन्हें बड़ी मुश्किल से धरती के अंदर से निकाला जाता है। हमारे 10th रैंक पे है टैंजनाइट, जो कि सिर्फ टैंजानिया में मिलता है और जाहिर सी बात है इसका नाम इसके पाए जाने वाले प्लेस के नाम से लिया गया है। ये पर्टिकुलरली टैंजानिया के माउंट किलिमंजारो फुटहिल्स में मिलता है। इसे पहली बार 1967 में डिस्कवर किया गया था, पर इसे पॉपुलैरिटी टिफनी एंड कंपनी से मिला था। इसकी कीमत $2,000 पर कैरेट है, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 1,00,000 रुपए, पर इसकी कीमत आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है क्योंकि ये रत्न टैंजानिया में लगभग खत्म होने को आ रहा है। हमारे 9th रैंक पर है रेड बैरल। इसे पहली बार 1904 में उताह के वावा माउंटेन में डिस्कवर किया गया था। ये नॉर्मली बेरिलियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट के मिक्सचर से बना होता है, पर इसका लाल रंग मैंगनीज आयन के मात्रा से तय होता है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस में भी अपना रंग स्टेबल रख सकता है। एक सर्वे के मुताबिक ये पता लगा कि अगर जमीन को खोदा जाए तब आपको 1,50,000 डायमंड के बीच सिर्फ एक ही रेड बैरल मिलेगा। तभी इसकी कीमत पर कैरेट $20,000 है, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 16,00,000 रुपए, पर अभी तक सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा रेड बैरल ही मिला है और मोस्टली रेड बैरल का साइज सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही होता है। हमारे 8th रैंक पर है बाहिया एमरल। नॉर्मली एमरल तो बहुत सारे है, पर इनमें से बाहिया एमरल सबसे खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एमरल्ड है। एमरल्ड को अपना ग्रीन कलर वैनेडियम से मिलता है और अच्छे एमरल्ड का पहचान इसके हाई ट्रांसपेरेंसी से तय होता है। पर बाहिया एमरल्ड की बात करें तो ये 2001 में ब्राजील के बाहिया जगह से एक बड़े पत्थर में से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इसे बहुत बार चोरी भी किया गया है, पर इसे ढूंढ के कैलिफोर्निया में एक वॉल्ट में रखा गया है, पर इसकी कीमत अभी तक तय नहीं हुआ है। हमारे 7th रैंक पर है एलेक्सेंड्राइट। ये अपने नेचुरल प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा मशहूर होने के साथ साथ कीमती भी है। इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी ये है कि ये अपना रंग बदल सकता है, यानी नॉर्मल रूम में ये ग्रीन और सनलाइट में ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। यही नहीं, ये रात को रेड और कैंडल लाइट में पर्पल हो जाता है। इसकी कीमत $15,000 पर कैरेट होता है, पर एक कैरेट से ज्यादा का अलेक्जेंड्राइट लगभग $70,000 पड़ जाता है और इसे पहली बार रशिया में 1833 में डिस्कवर किया गया था। हमारे 6th रैंक पर है पिंक डायमंड। इसका पिंक कलर अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है क्योंकि जेमोलॉजी स्टडी के तहत कि डायमंड का कलर किस मिनरल के वजह से पिंक हुआ है अभी तक पता चल नहीं पाया है। इस डायमंड के पास फ्लोरेसेंस क्वालिटी है, यानी ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके विजिबल लाइट को एमिट कर सकता है और इसी नेचर के वजह से इसका प्योरिटी का सबूत मिलता है। दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही 59 कैरेट का पिंक डायमंड मिला है, जिसका नाम पिंक स्टार रखा गया है। इसकी कीमत इसके साइज से ही तय होता है, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत पर कैरेट लगभग $7,00,000 है। हमारे 5th रैंक पर है ब्लैक ओपल। ये बहुत ही रेयर जेम है। इसे पहली बार 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था, तभी ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल जेम है। ये ब्लैक ओपल सिलिका का एक हाइड्रेटेड अमॉर्फस फॉर्म है, जिसमें 21% वाटर कंटेंट रहता है। ब्लैक ओपल में ओपल वर्ड संस्कृत वर्ड उपला से लिया गया है, जिसका मतलब ज्वेल होता है। कईयों का ये मानना है कि ब्लैक ओपल पहनने से ग्रेट लक मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस $10,000 से भी ज्यादा है। हमारे 4th रैंक पर है जेराइट, और ये सारे जेमस्टोन में से सबसे सख्त जेमस्टोन है। ये अधिकतर चीन और म्यांमार में पाए जाते हैं। जेराइट मेटामॉर्फिक पत्थरों से बना हुआ होता है, जिसके वजह से ये अपना फिजिकल फॉर्म और कलर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के नेचर के हिसाब से बदल सकता है। पर जेराइट में से ग्रीन जेराइट सबसे कीमती है। इसे नॉर्मली $50,000 पर कैरेट के हिसाब से मार्केट में बेचा जाता है,
पर एक बार हांगकांग में 27 जराय स्टोन से बना हुआ ये नेकलेस 70 करोड़ में बेचा गया था और इसे यूएसए के बारबारा ने खरीदा था, पर उनके डेथ के बाद जब इसे ऑक्शन में लगाया गया तब ये 320 करोड़ में बिक गई थी। हमारे थर्ड रैंक पर है पाइनएप्पल ओपल। ये इतना रेयर है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया में कुछ नंबर्स में ही मौजूद है। ये ओपल सीडोमोर्फिज्म से क्रिएट होता है, मतलब ये एक ऐसा स्टोन है जिसका केमिकल कंपोजिशन टाइम के साथ चेंज हो जाता है, पर एक्सटर्नल फॉर्म बरकरार रहता है। ये ज्यादातर फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट क्लिप माउंटेन में माइन किए जाते हैं। पूरे दुनिया में अभी तक 200 से भी कम पाइनएप्पल ओपल को डिस्कवर किया गया है। इसका स्ट्रक्चर पाइनएप्पल से मिलता जुलता है, तभी इसका नाम पाइनएप्पल ओपल रखा गया है और इसकी कीमत $5,00,000 से भी ज्यादा है। हमारे सेकेंड रैंक पर है ब्लू डायमंड। ये डायमंड इसके कलर से सबको अट्रैक्ट करता है और ये रॉयल फैमिलीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तभी इसे कई लोग रॉयल जेम भी कहते हैं। आप जानकर खुश होंगे कि इस डायमंड को पहली बार 14th सेंचुरी में इंडिया में डिस्कवर किया गया था और जिस ब्लू डायमंड को पहली बार ढूंढा गया था उसका नाम होप डायमंड रखा गया, पर इसे बाद में कट करके किंग लुइस को 16th सेंचुरी में हैंड ओवर कर दिया गया था, जिसके बाद ये डायमंड फ्रेंच ब्लू डायमंड के नाम से मशहूर हुआ। नॉर्मली ब्लू डायमंड का प्राइस $4-5 million पर कैरेट होता है। फाइनली हम अपने रैंक वन पर आ गए हैं और हमारे रैंक वन पर है एम्प्रेस उरुगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है। इसका साइज देखकर कई इसे फेक समझते हैं, पर ये 100% असली है। 11 foot tall 2.5 ton का ये नीलम को पहली बार नॉर्दर्न उरुग्वे में 2007 में माइन किया गया था, पर इसे माइन करना इजी टास्क नहीं था। इसके लिए 100 से भी ज्यादा लोग 3 महीने तक काम पे लगे थे। तकरीबन 9000 माइल्स खोदने के बाद इसे बारीक कट करके ऊपर लाया गया। इसमें 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े कीमती नीलम है, जिसके वजह से ये ज्यादा खूबसूरत लगता है, पर ये बिकाऊ नहीं है। इसे क्रिस्टल के म्यूजियम में रखा गया है, पर इसका प्राइस $6,00,000 से भी ज्यादा माना गया है। हालांकि इसे खरीदने के लिए अमीर लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश।